अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल 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 ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे, और रमज़ान के दूसरे शरीक में बहुत सी दुआएं कर रहे होंगे और उसके साथ साथ रमज़ान के दूसरे शरीक की दुआएं भी मांग रहे होंगे और इबादत भी कर रहे होंगे और तस्बीह भी पढ़ रहे होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह की अल्लाह ताला इस अशरे में और इस रहमत और बरकतों वाले महीने में अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करें और हमारे घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल करें। आमीन सुम्मा आमीन। और जो हमारे घर में बड़े हैं अल्लाह ताला उन लोगों को भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो लोग रोज़े जो नहीं रख रहे और अपनी दवाइयों की वजह से, तो अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत करे, उनका साया हमारे तौर पर हमेशा हमेशा सलामत रखें। और जिनके रोज़े चल रहे हैं, मींस के जो रोज़े रख रही हैं, अल्लाह ताला उनके रोज़े कबूल और मंजूर करें, उनकी इबादतें कबूल करें। और जो सहरी और अफ्तारियाँ बना रही हैं अल्लाह ताला उनको भी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें और उनके नेक और दिली ख्वाहिशात पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बढ़ते हैं हमारी इफ्तारी की तरफ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन पकौड़ा, लेकिन उस सबसे पहले मैं उन न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम करती हूँ जो मेरे चैनल पर नए हैं। वेलकम 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 मेरे चैनल पर माय लाइफ माय रूटीन, जिसका नाम है। और जब इफ्तारी का टाइम स्टार्ट हुआ तो अल्लाह की रहमत से इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया, तो इफ्तारी भी जब हम लोग ने मतलब कि जब रोज़ा इफ्तार किया तो मौसम इतना बहुत ही खूबसूरत था। वैसे जब हम लोग इफ्तारी कर रहे हो तो बहुत गर्मी और किचन की गर्माइश, फिर ऊपर जब सारी इफ्तारी बना के बैठो तो जब इफ्तार करो तो बस दिल करता कुछ पीने को मिल जाए, कुछ ठंडा ठंडा, तो बस ऐसे ही। तो लेकिन आज मौसम बहुत बहुत खूबसूरत था, बहुत हसीन था। मैं तो यही था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई, मौसम वैसे ही हवा चल रही थी, अच्छा हो गया था। बच्चे तो देखिए माशाल्लाह से अपने कामों में लगे हैं, अपने खेलों में लगे हुए हैं। तो जनाब मैंने चिकन को मैरिनेट करके 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद इफ्तारी का बिल्कुल करीब टाइम आ गया था, 5:45 हो गया था, तो मैंने झटपट से बेसन में लाल मिर्च, सूखा धनिया, काली मिर्च, नमक, हरा धनिया और ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन मिला के, तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, इसका बैटर बना लिया। तो जो चिकन था उसको मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया था 5 मिनट के लिए, पूरे 5 मिनट के लिए स्टीम किया और माशाल्लाह चिकन इतना ज़बरदस्त किस्म का अच्छे से रेडी हो गया। और देखिए मैं बैटर बना रही हूँ और मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने वाली बाजी शगुफ्ता है, बाजी शगुफ्ता जे हो जिंदाबाद बाजी शगुफ्ता। और बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं और टांगों के पास आ रहे हैं, जी हमें ऊपर बिठा लो, आप लोग क्या कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। वो हम लोगों को मतलब कि खुद तो छोटे बच्चे लें, वो हमें कह रहे थे आप सब बच्चे क्या कर रहे हो, तो ये शहरियार साहब, तो मैंने कहा हम बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं, आप अपना जाके काम करो, मुझे भी कोई काम दे तो मैं भी कुछ काम कर लूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये मौसम, ये देखिए जी माशाल्लाह जितना सीन वेदर, और ये चिकन भी स्टीम हो गया, इसके अंदर जो थोड़ा पानी था वो मैंने अच्छे से इसको ड्राई कर लिया, और फिर जो थोड़ा बहुत मसाला रह गया था वो मैंने जो बेसन का जो मैंने बैटर बनाया हुआ था उसके अंदर मैंने ये जो ड्राई मसाला था वो मैंने सारा उसके अंदर ऐड कर दिया। ये एक टिप है, और जब आप मसाला जो बेसन में जो सारी चीज़ें डालती हैं उसकी एक खास टिप ये है कि उसके अंदर आपने लेमन लाजमी ऐड करना है, उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये बाजीश गुप्ता बच्चों को बातों में खेलों में लगा रही हैं, क्योंकि वो यहाँ पे इनकी लड़ाई ना हो जाए, इशाल के ऊपर बढ़ाया हुआ था शेरफ के ऊपर कि इशाल और शेरफ की फाइटिंग ना हो, जो कि डेली होती है और हर टाइम होती रहती है। अल्लाह ताला इनको हदायत दें, जब तक कि बड़े नहीं हो जाते इन लोगों का ये ऐसे ही चलता रहना है। इन लोगों को मना करने का रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे इनको मना करो तो ये रोने लग जाती हैं और फिर लड़ाई करने लग जाती हैं। तो अगर
रोक ना रोको भी तो खैर बच्चों सब घरों के बच्चों में यही सब कुछ चलता रहता है राइट। तो उसके बाद चलते हैं रेसिपी की तरह। अभी मैं फ्राई कर रही हूँ बेसन में डिप करके। उसके बाद जो बैटर बच गया था उसके अंदर मैंने प्याज को रिंग साइज़ में रिंग शेप में मैंने काट के उसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और ये थी मेरी आज की रेसिपीज़। और आज हम लोगों ने चिप्स बनाए ओनली और ड्रिंक में लेमन रूह अफ़ज़ा बनाया जो कि मुझे बहुत 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 पसंद है। खट्टा और मीठा दोनों फ्लेवर आते हैं। आई जस्ट लव इट। और जो लेमन की चीज़ है वो मुझे बहुत पसंद आती है। इवन दैट मेरा गला भी ख़राब हो जाता है लेमन को सूंघने से भी, लेकिन जब मैं पीती हूँ तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अल्लाह हाफिज़। टाटा बाय बाय।